नमस्कार, शर्मा जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी पर चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 11th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ जो लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर कवर करते हैं हम इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी होता क्या है? तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट ए डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस एंड टू रिटर्न to its original size and shape when it's when that influence or force is removed। तो जब किसी बॉडी पर एक इन्फ्लुएंस डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस अप्लाई किया जाता है या फिर फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो उसके साइज एंड शेप में कुछ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अगर उस फोर्स को हटा लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो वो अगर अपनी फाइनल इनिशियल ओरिजिनल साइज एंड शेप में वापस आ जाता है, तो इस घटना को या फिर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, उसका एक गुण कह सकते हैं, क्योंकि इसी के कारण क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप में वापस आता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो डिफॉर्म तब होते हैं जब उसमें कोई भी एडिक्वेट फोर्सेस अप्लाई किया जाता है, ठीक है। बट जो भी मटेरियल इलास्टिक होते हैं, उन इलास्टिक मटेरियल में फोर्स हटा लेने पर दीज फोर्स आर रिमूव्ड, ये जो होते हैं वो अपनी इनिशियल शेप एंड साइज में वापस आ जाते हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो अपनी इनिशियल शेप एंड साइज में वापस आ रहे हैं फोर्स को हटा लेने पर, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, या फिर इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। डेफिनेशन रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता से संबंधित क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। तो पहली इसमें आती है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स से ही इसकी पूरी शुरुआत होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं विरूपक बल। विरूपक बल क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो भी बाहरी बल होता है जो हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ब्रिंग अबाउट द चेंज इन इट्स स्टेट और कॉन्फिगरेशन। तो ये जो बाहरी फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो किसी भी बॉडी की स्टेट एंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब जितने भी किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़े से क्या हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। बॉडी के बॉडी में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो मूव नहीं करती, लेकिन उसके जो पार्टिकल होते हैं, आंतरिक जो उसके कण होते हैं, वो क्या होते हैं, मूव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसकी पोजीशन में क्या होता है, फर्क हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसके कारण किसी भी बॉडी के इंटर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सच फोर्सेज आर कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। दीज फोर्सेज ब्रिंग अबाउट द चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। ये जो फोर्स होते हैं वो लेंथ, वॉल्यूम एंड जो बॉडी की शेप है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स का यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी एक सरफेस था, स्फेरिकल था स्फेयर, तो इसमें जब हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी साइज एंड शेप में क्या हो गया, फर्क आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जब इस पर फोर्स अप्लाई किया है तो इसमें दोनों तरफ से क्या फर्क देखने को मिला, इसकी साइज में फर्क आ गया है, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। आगे बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की। तो ये होता है प्रत्यास्थ सीमा। तो प्रत्यास्थ सीमा क्या होती है, द मैक्सिमम एक्सटेंट टू विच ए सॉलिड में स्ट्रेच विदाउट परमानेंट अल्टरनेशन ऑफ साइज और शेप। तो जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है, तो परमानेंट उसमें कोई भी शेप एंड साइज में अंतर आने से पहले की जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की में परमानेंट अल्टरनेशन आने से पहले की जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, प्रत्यास्थ सीमा बोलते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो किसी भी वस्तु की स्थायी विकृति आने से पहले की जो सीमा स्थिति होती है उसको हम प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इलास्टिक प्रोस्ट्रेशन या फिर इलास्टिक फैटिक। तो इलास्टिक फैटिक क्या होता है, द टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिक। तो किसी भी एक बॉडी पर अगर लगातार रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी सेज एंड साइप में साइज में कुछ फर्क देखने को मिलता है, जो कि जिसके कारण क्या होता है, वो अपनी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसको खो देता है,
टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी. अगर हम लगातार किसी भी घटना को रिपीट कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को लगातार अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को टेम्परेरी लॉस कर देगा, जिसके कारण वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है. तो यही जो कारण है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी आर एबल टू ब्रेक वायर रिपीटेड वाइंडिंग. तो हम इसी के कारण एक वायर है उसको रिपीटेड वाइंडिंग करके तोड़ पाते हैं. तो ये घटना है इलास्टिक फैटिक की. तो इलास्टिक फैटिक क्या होता है, किसी भी बॉडी पर अगर लगातार रिपीटेड या फिर प्रत्यावर्ती रूप से इलास्टिक फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स विकृत विरूपक बल अप्लाई किया जाता है, तो वो अपनी प्रत्यास्थ जो घटना है उसको खो देता है अस्थायी रूप से. इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ फैटिक, इलास्टिक फैटिक. ठीक है, आगे बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की. तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करता है, उसकी ओरिजिनल शेप में लाने का प्रयास करता है. तो रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट गिव राइज टू एन इक्विलिब्रियम इन अ फिजिकल सिस्टम. तो ऐसा फोर्स जो कि किसी भी एक सिस्टम फिजिकल सिस्टम को इक्विलिब्रियम लाने का प्रयास करता है, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. इफ द सिस्टम इज परटर्ब्ड अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, द रिस्टोरिंग फोर्स विल टेंड टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टुवर्ड इक्विलिब्रियम. तो अगर किसी भी फोर्स ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होता है रिस्टोरिंग एक्सटर्नल फोर्स के. तो मान लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी. मतलब हमेशा क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करेगा, इसीलिए वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला पाता है. तो ये एक रिस्टोरिंग फोर्स का एक एग्जांपल हो गया. तो आप देख सकते हैं जब दोलन गति होती है, ऑसिलेशन होता है, तो ऑसिलेशन में भी क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है. प्रत्यानयन बल इसको बोलते हैं हिंदी में. तो प्रत्यानयन बल उसमें भी काम करता है. तो प्रत्यानयन बल वही बल होता है जो कि किसी भी एक वस्तु को उसकी फाइनल पोजिशन में लाने का प्रयास करता है, माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है. ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इज द फंक्शन ओनली ऑफ पोजीशन ऑफ मास और पार्टिकल. तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये फंक्शन होता है किसी भी पार्टिकल और मास की स्थिति का. उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस की. तो स्ट्रेस क्या है, द स्ट्रेस अप्लाइड टू द मटेरियल इज द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू द मटेरियल. तो किसी भी मटेरियल पर फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं. ये एक तरीके का दाब इसको बोल सकते हैं, प्रेशर भी है, लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस में थोड़ा सा फर्क होता है, इसको हम अभी जानेंगे इसी वीडियो में. द मैक्सिमम स्ट्रेस इज ए मटेरियल कैन स्टैंड बिफोर इट ब्रेक इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस. तो वह अधिकतम तनाव या अधिकतम प्रतिबल जिसके कारण कोई भी मटेरियल जो होता है वो टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं भंजक प्रतिबल या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस. इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं. तो टेंसाइल मींस होता है मटेरियल इज अंडर टेंशन. तो जब कोई भी मटेरियल जो होता है अंडर टेंशन होता है, तनाव के अधीन होता है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल. तो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ट्राइंग टू स्ट्रेच द मटेरियल. तो जो भी फोर्स है इसमें जो मटेरियल पे स्ट्रेच उत्पन्न करता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल. तो प्रतिबल जो होता है वो उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी कि एफ अपॉन ए. तो इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा शो करते हैं. और हमने देखा था कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर को भी हम इसी फॉर्मूले से शो करते हैं एफ अपॉन ए. तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इस फर्क को हम आगे वीडियो में जानेंगे. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार इसके बताए गए हैं. पहला आता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल. दूसरा आता है यहाँ पर टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं संपीड़न प्रतिबल. और तीसरा आता है यहाँ पर हाइड्रोलिक स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिबल. तो तीन प्रकार के यहाँ पर स्ट्रेस देखने को मिलते हैं, प्रतिबल देखने को मिलते हैं, इनको हम अलग अलग जानते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, दिस इज द स्ट्रेस इन द पाइप वॉल एक्टिंग अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पाइप एंड इट इज द प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप. तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो किसी भी ऐसा स्ट्रेस होता है जो कि एक पाइप बॉल के सरफेस के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर वर्क करता है. और ये जो होता है वो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल पाइप की एक्सिस में क्या कर देता है,
परिवर्तन कर देता है, चेंज कर देता है, मतलब हो सकता है उसकी लंबाई में वृद्धि कर दे, हो सकता है उसकी लंबाई में कमी कर दे। तो जो भी लंबाई में चेंजेस हो रहे हैं तो ये सब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल के कारण हो रहे हैं। तो किसी भी एक अनुदैर्ध्य सतह के जब प्रतिबल वस्तु की सतह के लंब रूप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तनन प्रतिबल भी आता है जिसके कारण हम तार बनाते हैं, और संपीड़न प्रतिबल भी आता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, वस्तु को संपीड़ित करते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रतिबल इसमें देखने को मिलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में। बात करते हैं शियरिंग स्ट्रेस की। तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, इसको बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल या फिर स्पर्शीय प्रतिबल, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको। तो ए फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, द फोर्स ऑफ विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्लूइड्स विस्कोसिटी, शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब अधिक दाब के क्या शियरिंग स्ट्रेस में किसी वस्तु पर बाह्य बल आधार को स्थिर रखते हुए उसकी सतह के समांतर लगाया जाता है तो समांतर फलकों के बीच एक सापेक्ष विस्थापन हो जाता है। तो प्रत्यारोपित स्पर्शी बल या फिर टेंजेंशियल फोर्स जो होता है उसके कारण एक एकांक क्षेत्रफल उत्पन्न होता है, प्रत्यानयन बल, ये जो एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल है या रिस्टोरिंग फोर्स है, इसी को हम बोलते हैं अपरूपण या फिर शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस हम कह सकते हैं कि दो सतहों के बीच जब हम प्रतिबल लगाते हैं या फिर फोर्स लगाते हैं तो उनकी सतहों के बीच कुछ परिवर्तन आता है, उनके बीच जो भी परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन का जो विरोध कर रहा है बल एक, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, उस रीस्टोरिंग फोर्स को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। ओके, आगे बात करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस की। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस यानी कि आयतनिक प्रतिबल होता है, तो दिस इज द मेजर ऑफ द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हम ज्ञात करते हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया के द्वारा ऑन ए लिक्विड, किसी भी एक द्रव पदार्थ में। तो मैथमेटिकली स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड एज एफ अपॉन ए, तो एफ अपॉन ए के द्वारा हम स्ट्रेस को शो करते हैं। तो स्ट्रेस इज नॉट फिजिकली सेम एज द प्रेशर, तो ये जो स्ट्रेस होता है वो प्रेशर के इक्वल नहीं होता, बिकॉज यू नो प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कंसिडर्ड, बट स्ट्रेस इट इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोनों में फर्क इतना है कि जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये दोनों में फर्क है, इसको हम आगे भी अभी जानेंगे। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है कि किसी भी ये जो स्ट्रेस है वो हम मेजर करते हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये किसी भी लिक्विड में लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो लिक्विड में वर्क करता है। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस के बीच अंतर क्या है, तो यह जो होता है वो सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है, और जो स्ट्रेस होता है वो लंबवत और स्पर्श रेखीय दोनों ही हो सकता है। इसके बाद जो प्रेशर है वो सदैव संपीड़क होता है, यानी कि कंप्रेस नेचर का होता है, और जो स्ट्रेस होता है वो संपीड़क और तनन दोनों प्रकृति का हो सकता है, यानी कि कंप्रेस्ड भी हो सकता है और तनन प्रकृति का भी हो सकता है। तो ये दोनों में फर्क है। और दूसरा अंतर हमने देखा था यहाँ पर कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और जो स्ट्रेस होता है वो होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। आगे बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन होता है विकृति। विकृति क्या होती है, When we deal it in physics stress, तो अगर हम इसको एक physics stress भौतिक तनाव के अंदर देखें तो is the deforming force acting per unit area normal to the surface of the body is normal stress। तो एक ऐसा deforming force जो कि per unit area पर apply किया जाता है उसको हम deforming force कहते हैं, जो कि body में कुछ changes कर देता है। तो and so on, strain has dimension ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, और ऑफन फोर्स पर यूनिट लेंथ हैज नो लिमिट, इसकी जो होती है वो कोई भी लिमिट नहीं होती। स्ट्रेन का अगर हम बात करें तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो विमा में जो परिवर्तन हो रहा है वो बट्टे कोई भी उसकी प्रारंभिक विमा, तो विमा में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक बीमा जो होती है वो स्ट्रेन यानी कि विकृति के बराबर होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये विकृति का एक फॉर्मूला है। तो विकृति को हम तीन भागों में बांटते हैं, जैसा कि हमने बांटा था उसमें भी। तो पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, ये जैसा कि हमने उसमें देखा था प्रतिबल में भी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, जब लंबाई में वृद्धि होती है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, विकृति। लंबाई में अगर कोई परिवर्तन आता है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य विकृति। उसके बाद आता है यहाँ पर
वॉल्यूम स्ट्रेन, अगर आयतन में कोई भी परिवर्तन होता है तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। और तीसरा आता है यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं अगर किसी भी पृष्ठ में कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। तो इसी आधार पर यहाँ पर तीन मॉडुलस भी होते हैं, यंग मॉडुलस, वल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस। तो ये तीन मॉडुलस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसको भी। बात करते हैं हुक्स लॉ पे, तो हुक्स लॉ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। तो इट स्टेट्स दैट विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी की सीमा के भीतर यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सॉलिड ड्यू टू द सम एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इन द प्रॉपर प्रोपोर्शनल विद द स्ट्रेन। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो हमेशा स्ट्रेन पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन द अदर वर्ड द फोर्स कॉजिंग स्ट्रेस इन अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिड डिफॉर्मेशन। तो जो फोर्स कोई भी अप्लाई किया जाता है वो डिफॉर्मेशन यानी कि सॉलिड में जो होने वाली विकृति है उस पर डायरेक्टली निर्भर करता है। कंसिडर द स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, दैट इज स्ट्रेस विद द फोर्स एफ एक्सटेंड टू द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस एक्स विद रेफरेंस टू द इनिशियल पोजिशन। तो फोर्स जो होता है किसी भी अगर स्प्रिंग पर लगाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर जो के होता है इसको हम बोलते हैं बल नियतांक, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये केवल स्प्रिंग के लिए। बट अगर हुक्स लॉ की हम बात करें तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन पर डिपेंड करता है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल में सही हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ गया ई। तो स्ट्रेस इज इक्वल हो जाएगा ई इंटू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल हो जाएगा एक कांस्टेंट ई। तो इसी कांस्टेंट के आधार पर हमने तीन कोफिशिएंट बनाए थे, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीन कोफिशिएंट आते हैं जिसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस, वल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस। तो ये जो तीन कांस्टेंट हैं, इन तीन कांस्टेंट में हम यूज करते हैं वाई के एंड ईटा। तो ये तीन कांस्टेंट यहाँ पर आते हैं इसी आधार पर। तो यंग मॉडुलस में होता है कि जब उसकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन आता है तो इसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी के बाद आता है दूसरा कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं आयतन यानी कि बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि हाइड्रोलिक जो स्ट्रेस है अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन, इनका जो रेशियो होता है वो बल्क मॉडुलस के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही बात करते हैं उसमें आता है अपरूपण, एक अपरूपण गुणांक, या फिर तीसरा जो आता है रिजिडिटी कोएफिशिएंट। तो रिजिडिटी कोएफिशिएंट जो होगा वो इक्वल टू होगा अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं वो इसी पर निर्भर करते हैं, यहाँ से ही एक कॉन्स्टेंट निकल के आता है। तो कांस्टेंट की जो बात की गई है वो यहीं से आई है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो तीनों में इसी तरीके से आता है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ आप ध्यान रखेंगे इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसमें इतना ही, और शेष जो बचता है इसमें हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, बने रहिए शर्मा जी एजुकेशन के साथ, और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।